हेलो फ्रेंड्स, पिछले कई साल से मैंने बिहार में कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देखे हैं जो कि अलग अलग बोर्ड लेता है, पर ऐसा नोटिस जो कि आज दिया गया है, ऐसा नोटिस मैंने पहले कभी नहीं देखा है। इस नोटिस में बज़ाफ़्ता किसी कैंडिडेट का नाम लिया गया, कुछ न्यूज़ चैनल्स का नाम लिया गया, मतलब जो यूट्यूब बेस्ड न्यूज़ चैनल हैं, कुछ कोचिंग वालों का नाम लिया गया जो कि यूट्यूब पर ऑनलाइन कोचिंग चलाते हैं, और उनको टारगेट किया गया सरकार के तरफ से। तो इसमें क्या कुछ कहा गया है, असल में ये बिहार दरोगा के एग्ज़ाम से रिलेटेड है, पर जो बाकी लोग हैं जैसे जिन्होंने STET का पेपर दिया या BPSC का पेपर दिया, वो लोग भी देखें कि सरकार अब किस तरह से जो प्रदर्शन हो रहा है उसका किस तरह से जवाब दे रही है, किस तरह से लोगों का डायरेक्टली नाम लिया जा रहा है और कोचिंग वाले को डायरेक्टली टारगेट किया जा रहा है। इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ये नोटिस जारी हुआ बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बिहार पटना की तरफ से। ऊपर में लिखा हुआ है नोटिस का नंबर वगैरह लिखा हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है कि परीक्षा फल 28/1/2020 को जारी किया गया था दरोगा PT का, उसमें 50,072 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। परीक्षा मुख्य परीक्षा 26/4 को निर्धारित है तथा अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। विगत कुछ, आप देखिए मेन कंटेंट अब शुरू होता है। विगत कुछ दिनों से प्रारंभिक परीक्षा में असफल अभ्यर्थी दिलीप कुमार नाम लेकर के सीधे टारगेट किया जा रहा है। ये एक तरीका होता है दोस्तों कि अगर आप पूरे भीड़ को, मास को नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसमें से किसी एक को निकाल लो जो कि लीडर हो, उसको टारगेट करो, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कई बार ये कहा जाता है कि अगर आप किसी तरह का प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आप ना लीडर नहीं सिलेक्ट करें, अगर आप लीडर सेलेक्ट कर लेंगे, लीडर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया किसी तरह से, तो पूरा आंदोलन ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पर वही हो रहा है कि शायद ये बंदा लीड कर रहा था, इसको टारगेट किया गया। इसमें क्या लिखा हुआ है मैं आपको बताता हूँ। असफल अभ्यर्थी दिलीप कुमार, रोल नंबर इतना, तिथि जो इनकी जन्मतिथि दी हुई है, ये हैं राम बिहारी यादव, इनके पिता का नाम है, ग्राम महम्मदपुर, ज़िला दरभंगा। और इसके अलावा लिखा हुआ है 4-5 अन्य असफल अभ्यर्थी के साथ मिलकर परीक्षा में धांधली होने के झूठे निराधार तथ्यहीन आरोप लगाकर सर्वसाधारण को दिग्भ्रमित करने की मुहिम चला रहे हैं। मतलब ये बंदा दिलीप कुमार जो कि एक असफल अभ्यर्थी है, गांव का बंदा, इसमें एड्रेस दिया हुआ है, इतना पावरफुल हो गया कि इसने बहुत सारे लोगों को बहका दिया और बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ करके सभी को, मासेस को ये दिग्भ्रमित कर रहा है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, जब तक कि कोई अपने आप में बहुत स्ट्रांग नहीं हो। खैर आगे चलते हैं। उक्त असफल अभ्यर्थी दिलीप कुमार के द्वारा कुछ सोशल मीडिया तथा यूट्यूब के लिंक पर अपलोड किए गए प्रायोजित वीडियो के माध्यम से, प्रायोजित वीडियो मतलब ये प्रायोजित कर रहा था ये बंदा जो दिलीप कुमार, इसके पास इतने पैसे हो गए कि ये प्रायोजित कर रहा था, ये पैसे दे रहा था, सरकार का कहना है ऐसा, प्रायोजित वीडियो के माध्यम से नित्य प्रतिदिन दरोगा बहाली में बड़े पैमाने पर सेटिंग होने तथा अन्य प्रकार के भ्रामक एवं तथ्यहीन बातों को प्रचारित एवं प्रसारित किया जा रहा है। श्री दिलीप कुमार द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि परीक्षा परिणाम में 60% अभ्यर्थी सेटिंग के द्वारा सफल हुए हैं। वो एग्जैक्ट आंकड़ा कोई नहीं दे सकता, पर अगर 20-20 नंबर कट ऑफ हाई चला जाएगा एक साल के फर्क में, और क्वेश्चन का लेवल वही है, बाकी एग्जाम्स भी होते हैं बिहार में, BPSC हर साल होता है, वहाँ तो 20-20 नंबर का उछाल नहीं आ रहा है कट ऑफ में, तो इस पर लोगों का सवाल तो उठता है। पर जो एग्जैक्ट आंकड़ा है कितने परसेंट कैंडिडेट जो है वो गलत तरीके से इंटर कर गए, ये देना बहुत मुश्किल है। अभी 60% का आंकड़ा कहाँ से आया ये बोर्ड बेहतर जानता है। यदि यह बात सही है कि श्री दिलीप कुमार ने किसी भी एक अभ्यर्थी का नाम सार्वजनिक करें, मतलब ये चैलेंज किया जा रहा है बोर्ड की तरफ से कि आप उस कैंडिडेट का नाम लेकर के आओ, डिटेल लेकर के आओ, ये बहुत मुश्किल है कैंडिडेट के लिए, बहुत मुश्किल है कि वो ढूंढ, कैंडिडेट कोई एजेंसी नहीं है, कोई डिटेक्टिव एजेंसी नहीं है कि वो ढूंढ के निकाल लेगा कि ये वाला कैंडिडेट है जिसने बेईमानी किया है। ये तो आगे पढ़ते हैं दोस्तों, इसमें आगे क्या लिखा हुआ है। सोशल मीडिया, आगे कुछ कोचिंग वालों का भी नाम लिया गया है इस नोटिस में। सोशल मीडिया तथा जुलूस प्रदर्शन के माध्यम से फैलाए जा रहे भ्रम एवं दुष्प्रचार का खंडन आयोग समय समय पर करता रहा है। इस क्रम में दिनांक 6/2/2020 को महत्वपूर्ण सूचना के रूप में राज्य के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में जानकारी दी गई थी कि आयोग के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा दिनांक 22/2/2020 को प्रेस वार्ता कर सर्वसाधारण की वस्तु स्थिति से अवगत कराया गया था। मुख्यतः जिस मोबाइल के स्क्रीनशॉट तथा उसकी फोटोकॉपी को आधार बनाकर प्रश्न पत्र लीक करने की जांच की मांग की जा रही है, वह मोबाइल
वह किस मोबाइल नंबर से उन्हें प्राप्त हुआ इसकी सूचना आयोग को देने के लिए कहा गया था, परंतु आज तक संबंधित जानकारी नहीं दी गई है। अब इसमें होता क्या है, कहीं एक जगह से क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, उसका जो स्क्रीनशॉट है वो वायरल हो रहा है, तो वो बस फॉरवर्ड 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 आता जाता है, उसमें ओरिजिन कहाँ है, कहाँ से शुरू हुआ, इसको पता लगाना आसान नहीं होता है। एक बंदा जो कि गांव से है, ग्रामीण बैकग्राउंड से है, पटना में आके तैयारी कर रहा है, वो कहाँ से इतना रिसोर्स लाएगा, कहाँ से, ये तो एजेंसियों का काम है कि वो पता लगाए कि ये अगर स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा था तो वो ओरिजिन कहाँ था, शुरुआत कहाँ से था, प्रारंभ कहाँ से था। आगे पढ़ते हैं, YouTube पर तथाकथित न्यूज़ चैनल जैसे पॉलिटिकल एक्सप्रेस, HS बिहार, झकास भारत, इन ये सारे न्यूज़ वाले चैनल हैं, झकास भारत, न्यूज़ फॉर भारत आदि भी श्री दिलीप कुमार के साथ मिलकर दरोगा भर्ती परीक्षा को रद्द कराने की मुहिम चला रहे हैं। भाई ये चार नहीं हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है। पॉलिटिकल एक्सप्रेस जो कि इस तरह की न्यूज़ को जिन लोगों ने कवर किया है मिलकर, मतलब ये सारे चैनल जो हैं ये लोग, इसमें तो जो बिहार का यूट्यूब पर सबसे बड़ा चैनल है लाइव सिटीज़, उसने भी इस चीज़ को कवर किया था। वो बड़ा चैनल है इसलिए उसका नाम नहीं इधर डाला गया, छोटे मोटे को पकड़ के चुप कराने की कोशिश है। उनके न्यूज़ कंटेंट को देखने से ही बोध होता है कि ये सारे चैनल जिनका नाम ऊपर लिखा हुआ है ना, पॉलिटिकल एक्सप्रेस, HS बिहार, झकास भारत, न्यूज़ फॉर भारत, ये लोग मिले हुए हैं दिलीप कुमार के साथ, ऐसा बोर्ड का कहना है। वहीं दूसरी तरफ यूट्यूब कोचिंग क्लासेस चलाने के वाले कुछ व्यक्ति भी असफल अभ्यर्थी दिलीप कुमार को सहयोग देकर दरोगा परीक्षा को रद्द कराने की मुहिम चला रहे हैं। भाई दिलीप कुमार तुम तो हीरो बन गए। उदाहरण स्वरूप YouTube चैनल राणा क्लासेस चलाने वाले श्री रंजीत कुमार बिहार सरकार के कर्मचारी हैं, पर अपने बनाए वीडियो के माध्यम से बिहार सरकार की आलोचना करते रहते हैं तथा दरोगा भर्ती परीक्षा को रद्द कराने की मुहिम में शामिल हैं, ठीक है। राणा क्लासेस एक बड़ा YouTube चैनल है, बहुत सारे लोग जो YouTube पर एक्टिव हैं पढ़ने पढ़ाने के लिए, वो लोग जानते हैं उनके चैनल को, तो उनका भी नाम आ गया है इस लिस्ट में। अब इस तरह के भाई बिहार भर में सैकड़ों चैनल हैं, किस किस को बोलोगे, कोई एक दो नहीं है जिसको आप इस तरह से उंगली उठा सकते हो। नीचे में जो दोस्तों जो बोल्ड करके लिखा हुआ है, उपयुक्त तथ्यों के आलोक में सर्वसाधारण से अनुरोध है कि ऐसे निराधार एवं बेबुनियाद दुष्प्रचारों से दिग्भ्रमित ना हो। आयोग निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु कटिबद्ध है। बिल्कुल, आयोग को जो निर्धारित टाइम है उस पर ही अपना काम करना चाहिए, लेकिन परीक्षा में पारदर्शिता बनी रहे। इस तरह से कट ऑफ का ऊपर चले जाना, क्वेश्चन का व्हाट्सएप पे वायरल हो जाना, क्योंकि जब क्वेश्चन लाने का अलाउ नहीं था फिर क्वेश्चन पेपर कैसे लोगों तक पहुंच गया जब क्वेश्चन कैंडिडेट को दिया नहीं गया था। तो कुछ सवाल हैं, कुछ प्रश्न हैं जिसका आयोग को जवाब देना चाहिए, छोटा मोटा जांच ही हो जाता, जितना दिन लैप्स हो गया इतने दिन में जाँच हो जाता अगर सरकार किसी एजेंसी को लगा देती और इसमें दोनों तरफ की बात सुन ली जाती। पर इस तरह से किसी को पॉइंट आउट करना, और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भी शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट करें, उनका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन वो लोग शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट करें। अभी देखना होगा, अभी इंटरेस्टिंग होगा ये आगे देखना कि आगे क्या मोड़ लेता है, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो क्या करते हैं, और जिस तरह से इस तरह का नोटिस जारी किया गया है, क्योंकि इससे पहले भी बिहार में बहुत सारे एग्जाम्स हुए लीक, BPSC का चेयरमैन हो चाहे BSSC का चेयरमैन हो, सबका नाम आ चुका है, किसी को बोलने बताने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इस खबर पे और भी बिहार के जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स के, उस पर नज़र बनी हुई है, कहीं से भी कोई अपडेट आता है, कोई नोटिफिकेशन आती है, इस चैनल पर हम लोग अपडेट कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें ताकि पता लगे कि आज के टाइम पर प्रोटेस्ट करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, पिछले कई साल से मैंने बिहार में कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देखे हैं जो कि अलग अलग बोर्ड लेता है, पर ऐसा नोटिस जो कि आज दिया गया है, ऐसा नोटिस मैंने पहले कभी नहीं देखा है। इस नोटिस में बज़ाफ़्ता किसी कैंडिडेट का नाम लिया गया, कुछ